वो कैसे बजा मैं आपको बताऊं, एक बार आप देखेंगे, एक बार आकाशवाणी रोहतक में बोलेगा और एक मैं दिल्ली में बोलेगा। ये आकाशवाणी दिल्ली का रोहतक केंद्र है। सबसे पहले सभी बहनों को राम प्रभु आएगी, राम राम। बहनों आज हम आपको बताएंगे कि अनपढ़ महिलाओं की खेती क्यों करी जाए। वैसे तो अनपढ़ महिलाएं आमतौर से फागण और चैत के महीने में बोई जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये बारहमासी फसल के तौर पर भी पाई जाती है। अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले कई ईशा में काट के धरती में गाड़ दिया जाता है। जहां पर उनकी अच्छे प्रकार से उनकी खुदाई की जाती है। जो महिलाएं फिर पढ़ लिख जाती है उनको ट्रेलियों में भर के मिल में भेजा जाता है, जहां पर उनकी अच्छे प्रकार से पिड़ाई और कुटाई की जाती है। जो बहनें अच्छे प्रकार से पढ़ लिख जाती हैं, उनकी चीनी बनती है। जो बहनें अनपढ़ रह जाती हैं, उनकी फिर दारू निकलती है। देखो बहनों, जैसे जैसे आप शिक्षित होती जाएंगी, मंडी में भाव भी चोखे लगते चले जाएंगे। जो बहने अनपढ़ रह जाएंगी, उनकी दहाड़ी दर मजदूर भी रोड़ मार सके। तो सदनों, ये मेरा चुटकुला नहीं, मेरी एक निवेदन है। देखिए, मैं अकेले चुटकुले, मेरी एक निवेदन है। मैं 17 साल लेक्चरर रहा, 13 साल में प्रिंसिपल रहा। सच्ची बात ये, अगर आपकी बेटियां अनपढ़ रह गई, आपके बच्चे अनपढ़ रह गए, कोई की कलांडी पाक लो आज के जमाने में, कोई अंडी पाक लो को मांडी, जिसके बालक अनपढ़ रह गए उसके पल्ले कुछ नहीं, जिसके बच्चे पढ़ जाएंगे। मेरी दोनों बेटियां, एक मेरी बेटी MA इंग्लिश करके PhD करने लगी, एक मेरी बेटी बोटनी की PhD करने लग रही है, और जितने मेरे यार दोस्त बड़े बड़े अफसर हैं सारे झोली करके मांगे करते रह सका यार। तो आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, मेरी झोली पे सार के आपसे निवेदन। देखिए, ये जो हमारा उद्देश्य है, ये संघ का जो उद्देश्य है, ये हमारी पुरानी संस्कृति से जोड़ने की हमारी निवेदन है। और इसलिए वो हम ये भी निवेदन करते हैं, फूड का नाम हमारा संघ का यही है, और भी कहीं पर भी। देखिए, मेरे पास वैसे तो बिहार की बात नहीं, मेरे पास होने चाहिए थी इशार में, चलो कोई टेक्निकल दिक्कत है, महेंद्रगढ़ में, इशार में, सिरसा में, फतेहाबाद में, जींद में, कोई भी गांव के आदमी यूं कहे कि जी सांस्कृतिक कार्यक्रम या हम स्कूलों में वर्कशॉप लगाते हैं, कॉलेजों में सिखाने के लिए सिखाने वालों को पैसे देते हैं, तो यही प्रयास है कि हमारी संस्कृति हो। माननीय सदनों, बम्बे वागा गोली मार दो पानी नहीं मारिया। मेरे बड़े भाई बैठे इनके 18 किले, 70 साल जी, 70 साल पानी में डूबे रहे लक्ष्मी जयंती है किले, 18 किले न्यू मारे फ्लड। मेरे को अमेरिका में PhD मिला, मैं आपसे जो निवेदन करूँ, अमेरिका में PhD मिला, वहां मैंने ये कहा मैं तो गरीब परिवार से, मैं तो इस पढ़ाई के कारण और इस संस्कृति के कारण अमेरिका तक गाने का मौका मिला। तो माननीय सदनों, आप जो अगर कामयाब होना, लक्ष्मी बाई झांसी की रानी तलवार लेके आएगी ना, कोई नहीं पूछता। आज का माननीय सदनों कंप्यूटर की लड़ाई है, आज के दिन माउस की लड़ाई है, मिसाइल की लड़ाई है, आड़े बैठे बैठे सारे पाकिस्तान को रोक सकते हैं, हमारा इतना हिम्मत है। जेड़ी गल को नहीं, एक भर्ती होने चला गया, बच्चे ने धंधा वाला पिस्तल कैप्टन साहब बोले क्या बता ना, बोला कि भर्ती होऊंगा, ने बोला बा जमरी सासू के ये बुड़के की लड़ाई कोने नहीं। तो ये तो सजनों, आजकल पढ़ाई की मैं एक छोटा सा मैं और सुना दे, फिर मैं के देंगे, देख है गजब है ना, देखिए जरूर थप्पा रहे लग रहा है, ये देखा थप्पा मैं शाना मान से लग रहा है, ये तो गजब का धोती कुर्ता अरे तो गान की वजह से बेदन जाने नहीं उड़ उड़ दो ना दिवाली में खिलम पा जाए, ये तो गान की मेहरबानी, गान की मेहरबानी, कला को सलाम है। नहीं सच्ची बात, कला को पूजा जाता है, कला ही कुर्सी लगाती है। ठीक है मेनपाल, ये मेरा पुराना मित्र है, 40 साल से मेरे साथ बजाया, 40 साल हो गए, 40 साल से है ना मेनपाल जी ने बजाया मेरे साथ। कमाल है मेरा, तू यो उल्टा काम हो रहा, मम्मा बन जा मैंने कहा मेरा काम तो ये तो, लेकिन चलो एक मैं छोटे सा और बता दूं। एक बुढ़िया आई बस स्टैंड बाहर है, अरे बस में चढ़ा दो रे की चाहिए पानी पता नहीं चढ़ा पानी चढ़ गई। अब बुढ़िया आई आगे, आए बेटा अरे दे दे सीट, 3 बैठे मेरे उड़ के मोटे मोटे बोला ताई तने सीट दी, कागज मर ले
उसका तो सीट चाहिए आगे गई सिरपा हथ लगी बोली मेहरबानी देखो बेटी ए बिठा लो बोला भाई मुश्किल से सीट मिली है क्यों सिर पर चट गया आगे डिगले आगे जाके बेचारी ड्राइवर का बैक साइड में ऊपर का डंडा पकड़ के खड़ी हो गई ड्राइवर था भला उन्हें बोला अरे माता जी री बुढ़िया तने कौन सीट दे था ले मेरी चादर अरे बोनेट में बैठ गया बोनेट में बिठा ली इतना आगे खत्म स्कूल होगा ओडा खड़ी एक मैडम बीड़ी बीड़ी पजामी नीला नीला जम्फुर शर्ट पचास मीटर जनू जड़ तो पाड़ी के मुंडी मार रखी है उसका दिख दे ड्राइवर ने नो खड़े पर एक भरे टायर मत भी धुमा उठा ने बोला मैडम अगली खिड़की में बाज है चिटकी अब उसका चढ़ते हैं वहां आगे बैठे थे खड़े बोला जाओ मैडम यहाँ बैठो बोला नहीं नहीं मैं खड़ी बोला ना ना ऐसे कैसे खड़ी हो लेडी खड़ी रहे जेंट्स बैठा नहीं मैडम नहीं एडजस्ट करेंगे एडजस्ट कर ली ये बैठ दे फिर अश्वा बुढ़िया ने बोली बैठ ले बेटी इन जवान जवान छोरे अंदर है भाई रे फिर तब मेरी अलग बोनट पे सीट मिलनी है तो भाई ये आप लोग पधारे और मैं तो बल्कि आज आते आते रह गए वो जगदीप है आईएएस या इसका गोलागर नहीं किसका है वो उसका बहादुर सिंह का बेटा गागरवाद के वो मेरे मित्र है मैंने भी वीडियो कॉल करके भी दिखाई उनको भी आज था मैंने बताया कि इतना पवित्र स्थान और मान्यवर सदनों मलंग तो कितने भी आ जाए एक ओढ़नों का जो फलानी आ रही है वो आ रही है आ जाएंगे लेकिन ये जो बुजुर्ग है ना ये जो पगड़ी वाले बुजुर्ग हैं ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं आप असली हमारी संस्कृति के सेवक हैं आपके लोगों आप लोगों की वजह से ये सांग जिंदा है जगह देखनी है नहीं आओगे आप लोग कल का बताया कोई अच्छा बता दे को मतलब आप लिख के एशिया लिख के जाते हो और महाराजी कान में बता दो कौन किसने कैसा गाया आप लोग पारखी हैं पारखी बने रहना जब भी कला परिषद के थ्रू कोई जरूरत पड़ेगी गांव श्याणा और इस इलाके का जहां पर भी कहोगे सर जहां पर भी कहोगे वही जिसको भी कहोगे जिस नाड़ा पास करोगे देखो पास फैल तारा जी और जिसने भी कहोगे वो एक में सफाई और दे दू कई भाई और राजस्थान के कलाकार बहुत अच्छे कलाकार मैं उनको बड़ा नमन करता हूँ उनका मान करता हूँ उनका सम्मान करता हूँ लेकिन हमारी कला परिषद की मजबूरी है क्योंकि हम काम हरियाणा के लोगों को ही दे सकते वो उनको लेने के लिए हमें राजस्थान सरकार को लिखना पड़ेगा या राजस्थान सरकार हमें लिखे तभी उनको बुला सकते हैं आप हमारी बात को ये मत सोचना गांव के लोगों कि अब हम फलाना आदमी को काम नहीं देते उनका राशन कार्ड जो है ना वो राजस्थान का है बहुत अच्छे कलाकार हैं और इस मंच के माध्यम से उनको नमस्कार भी करता हूँ प्रणाम भी करता हूँ लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है इसलिए वो भाई बुरा ना माने हरियाणा का जिस संगीत को उसने बुला देंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद।